तुझ बिन मचलती है, मोहब्बत हाथ मलती है, चला मेरे परवाने, वफा की शाम जलती है। इन लाइनों की तरह ही रोशन हुई अभिनेत्री साधना। अगर चंचल शोक हसीना साधना की बात करे तो सबसे पहले जहन में याद आती है उनकी प्यारी सी मुस्कान और उनका यूनिक स्टाइल। साधना हमेशा से ही अपने फैंस के लिए एक स्टाइल आइकॉन रही है। साधना की वजह से ही आज भी फेमस है साधना कट, जिसे आज की एक्ट्रेस भी कॉपी किया करती है। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी है, लेकिन प्यार से सभी उन्हें साधना ही बुलाते हैं। उनके हेयर स्टाइल को लड़कियां आज भी कॉपी करती है। उनके हेयर स्टाइल के पीछे छिपी है एक बेहतरीन कहानी। दरअसल साधना ने जब फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें कई बार उनके बड़े माते की वजह से निर्देशकों ने काम देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका माता ही एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा। साधना कभी हार नहीं मानती थी, इसलिए वो रोज़ तमाम फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाया करती थी ताकि कभी तो भगवान उन पर मेहरबान हो और किसी निर्देशक की नज़र उन पर पड़े। साधना के पिता भी उन्हें इसके लिए रोका नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से मालूम थी कि साधना को एक्टिंग का काफ़ी शौक है। बस उनका यही संघर्ष उनके काम में आ गया। उन्हें फिल्म 420 के गाने मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के में ग्रुप डांसर में शामिल कर लिया गया। वैसे तो साधना को यह डर हमेशा सताया करता था कि कहीं वो जूनियर आर्टिस्ट बनकर ही न रह जाए, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। साधना को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, इसीलिए वह अपने कॉलेज में भी एक्टिंग किया करती थी। उनका संघर्ष तब ख़त्म हुआ जब कॉलेज में एक नाटक के दौरान उन्हें एक सिंधी फिल्म मेकर ने स्पॉट किया। भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में शैला रामानी की छोटी बहन के लिए कास्ट किया गया। इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को मात्र 1 रुपये की टोकन मनी मिली थी। साधना ने कभी हार नहीं मानी और वह लगातार फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटती रही। एक फिल्म मैगजीन में जब साधना की तस्वीर छपी, उनकी यह तस्वीर उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनकी इस तस्वीर पर फिल्म निर्देशक शशाधर मुखर्जी की नज़र पड़ी। बस यही वो एक पल था जब साधना की किस्मत चमक गई। साधना का माता बड़ा था, इसलिए उन्हें जब फिल्म मेकर शशाधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म में काम दिया तो उन्होंने साधना को हेयरस्टाइल बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हेयरस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो उनका बड़ा माथा छुपा दे। तब साधना के हेयरस्टाइल ने उनको उनकी कमजोरी छुपाने के लिए नई हेयरस्टाइल दी। तब वो हेयरस्टाइल उनका USP यानी कि खूबी बन गई। उस हेयरस्टाइल का नाम ही साधना कट रख दिया गया। आज कई अभिनेत्रियाँ उनके यूनिक हेयरस्टाइल को कॉपी किया करती है। पाकिस्तान में जन्मी 7 साल की साधना अपने पूरे परिवार के साथ कराची से मुंबई में आ गई। वो परिवार के साथ सायन में एक बैरक में रहने लग गई। फिल्म लव इन शिमला, परख, असली नकली, हम दोनों एक मुसाफिर, एक हसीना और ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में देकर साधना जमीन से आसमान तक पहुंच गई और बन गई उस समय की टॉप स्टार। साधना उस समय की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली हीरोइनों में से एक है। साधना की एक्टिंग के अलावा उनका यूनिक हेयर कट ही उनकी USP बन गया। साधना ने कई ट्रेंड का चलन शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला साधना कट, और इसके अलावा साधना ने चूड़ीदार सलवार का फैशन ट्रेंड भी सेट किया है। साधना उन हीरोइनों में से एक है जिन्हें आज भी लोग अपना स्टाइल आइकॉन मानते हैं। आज भी बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना कट कराती है, जिनमें शामिल है प्रियंका, कतरीना, जैकलिन, अनुष्का और ना जाने कितनी एक्ट्रेस जिन्होंने साधना कट कराया है। साधना शिवदासानी और आफ्ताब शिवदासानी को लेकर अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या वाकई में साधना और आफ्ताब का कोई रिलेशन है, तो उसका जवाब है हाँ। हरी शिवदासानी जो अभिनेत्री बबीता के पिता है, वे दरअसल में साधना के पिता के भाई है, यानी कि साधना के चाचा। उस तरह से एक्टर आफ्ताब शिवदासानी साधना के चाचा के पोते हैं। साधना शिवदासानी को फिल्म लव इन शिमला के दौरान ही निर्देशक रामकृष्ण नैयर से प्यार हो गया था। उन दोनों की उम्र में लगभग 6 साल का अंतर था। उस समय साधना की उम्र 16 साल की थी, जबकि RK नैयर 22 साल के रहे होंगे। साधना के परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसीलिए साधना ने फिल्म निर्देशक और एक्टर
राज कपूर की मदद से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। वर्ष 1955 में साधना के पति आर के नैयर का निधन हो गया, जिसके बाद अभिनेत्री अकेली रह गई। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। साधना की आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिलें है। 25 दिसंबर 2015 को साधना ने हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर अपनी सुपरहिट फिल्मों और दमदार अभिनय के लिए वे हमेशा ही याद की जाएगी।